ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गमाना है। प्रश्न, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वो कब वाहियात खान पान आज के ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। सदा कहेंगे, बाबा ने ज्ञान दिया। गीत, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है, फिर बेरहमी कौन? ये बरोबर अभी ही जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी दैवी राज दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज बा किसने दिया? जरूर परमपिता परमात्मा ने ही रचना रची है। देवताओं ने परमात्मा से वर्षा लिया है, यह दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज था, बाबा ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला? जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया, उनकी एफीजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया है। जो दुख देते हैं वो तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफीजी बनाते हैं। बाप कहते हैं ये सब पतित है। खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर को भी मानते हैं। अखबार में डालते भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परस्थान था। सबसे पहले थी देवताएं, फिर इस्लामी बोधी आद हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और धर्म भी आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिन में ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। बल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वो हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। ज्ञानी तो आत्मा की हम सर्विस करते हैं। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछते मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते ही रहते हैं, उनको क्या मिलेगा? बल राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तो मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गमाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी लक्ष्मी, वो है सत्य की। ये महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारणा चाहिए, परिपक्वता चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबर वार दिल पर चढ़ते हैं।
वैरायटी होती है, ये पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगदम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगदम्बा, इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया हुआ है। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी, यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, ये समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है, दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना चाहिए, तब बाबा राजी हो ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा। सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे, वो समझते हम बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। बहुत फालतू खान पान की ख्याला चलती है। एम ऑब्जेक्ट बाहर तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है, शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होते हैं, उन पर बोर्ड लिखा हुआ होता है, यह मिल्क के दुकान है, ये फलारे के दुकान है, सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लिखता है, वह तो नामी ग्रामी हो जाती है। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है, फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है। बोर्ड पढ़ते नहीं है जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके, देखना चाहिए ना किसका दुकान है। आदि देव तो नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु यह कौन है, कब होकर गए है, जानते नहीं। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए, समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं, वह तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे ज्ञान देते हैं। वह ऐसे न समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है, यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसको ज्ञान नहीं दे सकते, वह तो विधवा हो गई, वो कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं, रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित वक्त देवी देवता बनने वाले हैं, अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा है, यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं,
और फिर रोते हैं, तो गोया उनका राम मर गया, गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अविस्था बड़ी अच्छी चाहिए, बल कोई प्रभावित होते हैं परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद बाप तो करते हैं, कोई कोई बीके और ही नुकसान करती है। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं, इनकी चलन ऐसी है ठीक नहीं है, तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को तो ददित ऋषि माफी खड़ियाँ देनी है, कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती है, कब विस्पत है, कब शुक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है, एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रूहाब से अंदर आवे। लिखा हुआ गॉड फादर से वर्षा मिलता है, 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी कोई तो अच्छी रीत समझेंगे, क्योंकि नंबर वार ग्रह कहना, यह सब शिव बाबा की दुकान है, सेठ एक है, ये दुकान तो हजारों लाखों के अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों की कितनी दुकान है, विदेश में भी है। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन युग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दें, यहाँ तो वो लोग आ न सके, पोजीशन बहुत रहता है, यहाँ तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बेगर है, इस समय हम भी बेगर है, बेगर से प्रिंस बनने वाले है, बल किसके पास धन बहुत है। सलाम तो भरना है, क्यामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबर वन सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे तुम्हारे पास। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्होंने चित्र चले आते हैं। हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं, एक्यूरेट चित्र थोड़े कोई है। दिलवाला मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी स्वराज राजेश्वरी बनते हैं। जरूर उसके बच्चे भी होंगे, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं, कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ,
वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। यह जगत अम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाती है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे रोना भी अपसगुन है। यह बेहद बाप का घर है ना, जो खुद रोते हैं वो औरों को क्या सर्विस करके उनको हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है, हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीच ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योगी का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी है। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई, आधा कल्प मेहनत की। अब बाप मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन है, महान आत्मा वो है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। विशेष अटेंशन, यह जनवरी मास हम सब के अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा के संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मावत्स विशेष बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते यह स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए ही कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इस लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना, लवलीन स्थिति का अनुभव करो, प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाने, प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देंगी। ओम शांति।